इतिहासक गुरुद्वारा गुरसर सतलानी साहब विखे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों साल 2015 तो जैविक खेती की जा रही है। एसजीपीसी के मुख्य सचिव डॉक्टर रूप सिंह ने इस जैविक बगीचे का दौरा किया और जरूरी हिदायतां कीतियां। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा सतलानी साहब की 5 एकड़ जमीन से जैविक खेती करके फल और सब्जियां उगाई जा रही हैं। ये फल और सब्जियां श्री गुरु रामदास लंगर भेजे जाते हैं। हुण हर गुरुद्वारे विच घट तो घट 5 एकड़ जमीन से जैविक खेती की जाएगी। मैनेजर बलदेव सिंह ने आख्या कि डॉक्टर रूप सिंह वालों जो हिदायतां कीतियां गईयां हन इन्हां दी पालना की जाएगी। इस मौके एसजीपीसी मैंबर भगवंत सिंह स्यालका अते रजिंदर सिंह मेहता भी उन्हां दे नाल सन। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरद्वारा सतलानी साहब पाशी छेवीं 2015 च ऑर्गेनिक खेती की जो शुरुआत की गई सी। ये ऑर्गेनिक खेती करने का मन तो साडा यही सी कि लोगों को प्रेरित कर सकीए जड़ियाँ साडे सब्जियां ने फल ने वो पेस्टिसाइड करके जहर होंदे जा रहे ने जिहदे नाल पंजाब च बहुत सारिया बीमारियां फैल रही ने। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उपराला किया सी। इस उपराले तहत गुरद्वारा सतलानी साहब तो जिहड़ियां सब्जियां ने जिहड़े फल ने वो असी गुरु रामदास जी दे लंगर च भेज दिंदे आ ते उत्थे इन्हां नूं मार्केट नालों जिहड़ा वध रेट आ उह मिल जांदा। दूजी गल आ कि सचखंड श्री हरिमंदर साहब जिहड़ियां संगतां आउंदियां ने उन्हां नूं सब्जी जिहड़ी आ लंगर दे विच वधिया मिल जांदी आ, ऑर्गेनिक मिल जांदी आ, जिहदे नाल कोई भी किसे किस्म दी बीमारी नहीं फैलदी। ये साडा करन दा मंतव इक्को ही सी कि पंजाब दे विच जिहड़ी किसानी आ वो ऑर्गेनिक खेती करके जिथे अपने परिवारां नूं शुद्ध सब्जी दे सके, शुद्ध फल खवा सके, बीमारियों तो रहत फल खवा सके, पेस्टिसाइड तो रहत फल खवा सके, ये प्रेरणा देने दे लई साडे वल्लों यतन किया गया सी। गुरद्वारा साहब विखे जैविक खेती जैविक बाग दा दौरा किया। ये जिहड़ी फसलां वा जैविक सब्जियां जैविक बाग इहदे बारे सानूं उपदेश दित्ते कि तुसीं इस बाग नूं होर वधाओ।